मशरिक न्यूज के नाजरीन आदाब, दिन भर की अहम खबरें। केजरीवाल ने दिल्ली का दिल जीता, झाड़ू का लहराया परचम, आम आदमी का जश्न। भारी अक्सरियत मिलने पे केजरीवाल ने कहा, गजब कर दिया आप लोगों ने, आई लव यू। दोस्तों, मैं सभी दिल्ली वासियों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने तीसरी बार अपने बेटे पे भरोसा किया। ये जीत मेरी जीत नहीं है, ये सभी दिल्ली वासियों की जीत है। ये दिल्ली के हर उस परिवार की जीत है जिसने मुझे अपना बेटा समझ के, जिन्होंने मुझे अपना बेटा मान के हमें जबरदस्त समर्थन दिया, इतना वोट दिया। ये हर उस परिवार की जीत है जिनको अब दिल्ली में 24 घंटे बिजली मिलने लगी है। ये हर उस परिवार की जीत है जिनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने लगी है। ये हर उस परिवार की जीत है जिनके लोगों का दिल्ली में अस्पतालों में अच्छा इलाज होने लगा है। दिल्ली के लोगों ने आज देश में एक नई किस्म की राजनीति को जन्म दिया है। मैं दिल्ली वासियों के जनादेश को स्वीकार करता हूं। पिछले 21 सालों से दिल्ली में हम सरकार नहीं बना पाए। पिछले 21 सालों से दिल्ली में गैर भाजपा दल की सरकार बन रही है। इस बात का हमें दुख है कि मोदी शाह, 200 एमपी, 70 वुजरा और 11 रियासतों के वुजराए आला के प्रचार के बावजूद बीजेपी के लिए फिर भी रही दिल्ली दूर। आने वाले 5 साल में जो दिल्ली सरकार की कमियां होंगी, हम उसको और बेहतर तरीके से दिल्ली की जनता के सामने अपनी बात को रखने की कोशिश करेंगे। दिल्ली वासी झूठे विज्ञापन और फ्री के प्रवाह में बह गए हैं। मैं इस बात को समझता हूं कि लोगों को 3 महीने से बिजली पानी का बिल फ्री आ रहा था। हमारी दिल्ली की महिलाओं को बसों में फ्री की यात्रा हो रही थी, मगर ये जो भी हो रहा था ये 3 महीने से हो रहा था। मगर मैं फिर भी दिल्ली की जनता को शुभकामनाएं देता हूं, मैं उनके जनादेश को बधाई देता हूं। आने वाले 5 साल हमारे कार्यकर्ता और मेहनत करेंगे। इस चुनाव में भी कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत करी है। हमारी दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में हम सब में क्या क्या कमियां रह गई थी, हम आने वाले चुनाव में उसको, हमारे प्रदर्शन को और अच्छा करने की कोशिश। मैं सभी कार्यकर्ताओं से कहूंगा, आप बिल्कुल अभी तो निराशा की कोई बात नहीं है। अभी जो एग्जिट पोल दिखाया उससे हम ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पा रहे हैं। 2 दिखाया हम 22 पा रहे हैं, तो अभी निराश नहीं हो कोई। वजीर आला उम्मीदवार के नाम का ऐलान ना किया जाना बीजेपी की भारी भूल। मनोज तिवारी ने आखिरकार हार कबूल की। मैं दिल्ली के सभी मतदातागण को बहुत धन्यवाद देता हूं उनके मतदान के लिए, जो हमारे कार्यकर्ताओं ने जो कठिन परिश्रम किया है, जो लगातार उन्होंने अपना एफर्ट किया है, हमारे भारतीय जनता पार्टी एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं ने, उनके मेहनत के लिए सबको बहुत साधुवाद देता हूं। बहुत मेहनत करी है कार्यकर्ताओं ने। जीत हासिल करने के बाद केजरीवाल ने मनाया बीवी की सालगिरह। खबरें तफसील से। आम आदमी पार्टी के जीतने की जिस तरह उम्मीद की जा रही थी, इससे कहीं ज्यादा पार्टी ने दिल्ली वालों का दिल जीता।
दिल्ली में केजरीवाल और झाड़ू का परचम लहराया, नफरत की सियासत नाकाम हुई और काम का एजेंडा कामयाब हुआ। मनीष सिसोदिया की जीत की खबर जैसे ही आई, केजरीवाल ने बीवी की सालगिरह मनाई। बीजेपी ने काफी नफरत की पॉलिटिक्स करने की कोशिश की, बीजेपी ने काफी इस बात की कोशिश की कि हिंदू मुसलमान आपस में लड़ पड़े, लेकिन मुझे खुशी है कि पटपड़गंज के मेरे वोटर्स, पटपड़गंज के मेरे भाई बहन। केजरीवाल ने पार्टी दफ्तर से हजारों आम आदमी पार्टी कारकुनान और मीडिया से खिताब करते हुए दिल्ली के लोगों का शुक्रिया अदा किया। दिल्ली वालों, आई लव यू। उन्होंने कहा कि दिल्ली वालों ने तीसरी बार अपने बेटे पर यकीन किया है, ये हमारी नहीं हिंदुस्तान और दिल्ली के लोगों की जीत है। आज से एक नई सियासत का आगाज है। दूसरी जानिब मोदी शाह 200 मेंबरान पार्लियामेंट, 70 वुजरा और 11 रियासतों के वुजराए आला के प्रचार और सारे जराए सड़कों, गलियों, मोहल्लों में उतरने के बावजूद बीजेपी के लिए फिर भी दिल्ली दूर रही। बीजेपी का 21 साल बाद भी दिल्ली में इख्तदार वापसी का ख्वाब पूरा नहीं हुआ। कांग्रेस उम्मीदवारों का खाता नहीं खुला, बेशतर की जमानत जब्त हुई। काम की बुनियाद पर आम आदमी पार्टी की भारी अक्सरियत से जीत पर आम आदमी में जश्न का माहौल है। केजरीवाल की ताजपोशी 14 फरवरी को होगी, जिसमें कई वुजराए आला शिरकत करेंगे। आज बस इतना ही। मशरिक न्यूज के नाजरीन, शब बख़ैर।